कोरोना की रफ्तार बढ़ते देख गवर्नमेंट और ज़्यादा सीरियस हो गई है अबाउट स्टूडेंट्स और देयर एग्ज़ाम्स। CCS यूनिवर्सिटी, सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा। 15 मई तक के जितने एग्ज़ाम्स हैं सबको पोस्टपोन कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ मैं स्टडी करता हूँ, जो चीज़ मैं एनालिसिस करता हूँ, स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, कोई भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो, सरकार की रणनीति क्या है, क्या बोर्ड की रणनीति है, क्या वो सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स के बारे में आपको अपडेट मिले, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा जो गेम खेल रही है वो यही है, उसे गेम ही कहूँगा मैं, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं बताया जाता। अब ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि कोविड जो है वो कब तक रहने वाला है, ये कितना उसका असर रहेगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हो रही है वो यही हो रही है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए, जैसे एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, किसी स्टेट्स में 10 दिन के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं, फिर 10 दिन बाद जब दोबारे होते हैं तो फिर उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाता है। जैसे आपको बताया CCS यूनिवर्सिटी में 3 तारीख तक के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, उसके बाद अब 15 तारीख तक एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। UP के अंदर स्कूल्स खुले थे, बंद हुए थे 30 अप्रैल तक के लिए, आज ही लेटर जारी हुआ है और उसमें बोला है कि 15 मई तक के लिए स्कूल्स सब स्टडी लेवल वर्क एग्ज़ाम वगैरह जो भी है सब बंद रहेंगे। ऐसी अगर महाराष्ट्र की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में बच्चों के 9th 11th वालों के एग्ज़ाम्स रुके पड़े हैं, हमारे बोर्ड वाले बच्चों के 10th 12th के एग्ज़ाम रुके पड़े हैं, बहुत सारे स्टेट्स में 12th वालों के CBSE और ICSE के एग्ज़ाम्स रुके पड़े हैं। अब उनके लिए बोल दिया है कि उन्हें 1 जून में कराएंगे। पता लगा जून में, जो चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर आपको इस वीडियो को देखने से तो आपको पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 से 4 क्वेश्चंस हैं कि एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो पास कैसे करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, अगर हुए तो कब हो सकते हैं, और चौथा क्वेश्चन आता है कि क्या ये साल भी हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट चाहे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकती है, चाहे वो कोई भी हो, यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्ज़ाम भी, जी हाँ OBE ओपन बुक एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट ईयर, ऐसे कर सकते हैं। और अगर कंडीशन आई तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होगा, लास्ट ईयर की तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट करके फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है इस बार सबके एग्ज़ाम्स होंगे और ओपन बुक कंडीशंस में होंगे, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान है। वैसे भी सरकार का कहना यह कि बच्चों को क्या हम वैक्सीन देकर एग्ज़ाम देने भेज दें, लेकिन वैक्सीन का असर भी 45 दिन के बाद शुरू होता है, तो बच्चों को वो वैक्सीन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुद्दे की बात, पहला क्वेश्चन ये था कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, चाहे वो ओपन बुक से हो, चाहे वो डिले हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स बोर्ड के हैं, 9th आप 10th के या 12th के हैं या इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको अगर 1 जून को कोई निर्णय आया, 1 जून तक का टाइम दिया है मोस्ट ऑफ CBSE ने भी, ICSE ने भी, अगर 1 जून तक कोई निर्णय आया तो ही आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बच्चों नियत समय पर होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का कोरोना इस समय आ रहा है, जिस तरह से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उस तरह से देखा जाए तो शायद 1 जून तक, यानी कि पूरे मई तक भी शायद कंट्रोल अच्छे से ना कर पाए। लेकिन सरकार ने जब आपको टाइम दिया है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे स्ट्रेटजीज होगी, आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों के लिए, अक्सर सभी बच्चों के लिए, कि कब तक हम वेट करें, 1 जून में भी अगर पास नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ऐसे में चलो सर आप कहते हैं तो हम स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम तो हो, तो उनका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। #, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर Class 12th ट्वीट करिए बच्चों के लिए, सपोर्ट करिए सही बच्चे। अगर आप 12th में भी नहीं हो ना, तब भी इन छोटे भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए सपोर्ट करो, प्रमोट Class 12th ये करके #, करके यूज़ करिए, ठीक है, और जस्टिस फॉर Class 12th करके यूज़ करिए। बाकी बचे अपने और छुटर मुटर बच्चे, यानी कि छुटर मुटर का मतलब है कुछ जगह पर 9th 11th वाले, जैसे दिल्ली में कुछ जगह पर कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, कुछ की बैक आई हुई है, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो यूजुअली जो मुझे नज़र आ रहा है, ऐसे बच्चों को अगर मई में भी कंडीशंस थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है तो इनको भी पास कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे कंडीशंस ये है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन है अगर एग्जाम नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे। तो देखो 10th तक इंटरनल बेसिस पर पास किया जा सकता है क्योंकि 10th तक होती है ग्रेडिंग। लेकिन अगर 12th तक पास करने की बात आई या यूनिवर्सिटी तक पास करने की बात आई तो यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो जाता है आपको लास्ट ईयर कितने परसेंट मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, ठीक है। और अगर 12th की मैं बात करूँ या मैं 11th की बात करूँ तो यहाँ पे मार्क्स जो है प्री बोर्ड जो हुआ था उसके बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपकी इंटरनल जो आपकी असेसमेंट हुआ हुआ स्कूल में प्रैक्टिकल जो आपके हुए होंगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि 12th वाले बच्चों को मार्क्स दीजिए क्योंकि उनके एग्जाम्स होने तय हैं अगर कोविड तब तक कंट्रोल हो जाता है तो। तो डाउट जो है वो अब भी बना हुआ है, पहले ही बना हुआ था। यहाँ पे डाउट क्लियर कब होगा, क्लियर डाउट करेगी ही गवर्नमेंट। हमें तो इस डाउट को उठाना है और पब्लिक तक पहुँचाना है ताकि सब लोग आपके लिए बोलें लड़ें, तब जाके यहाँ पर बात समझ में आ पाएगी। बाकी तीसरा क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम्स अगर मान लीजिए होते हैं तो कब होंगे। तो मैंने वही बताया कि अगर एग्ज़ाम आपके जून में हो जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद नया साल भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर भी आपका इफेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर इफेक्ट हो जाता है जिसके कारण से इस ईयर कब तक चलेगा। अगर आपके जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे तो रिजल्ट सितंबर में आएगा, तो नेक्स्ट एडिशंस कब होंगे, अगला साल भी इस साल की तरह चला जाएगा। ऐसा भी सरकार कर सकती है लेकिन एटलीस्ट लास्ट तक ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के आप ये मानिए कि जून और जुलाई से पहले कोई चांस नहीं है। लास्ट ऑप्शन है कि भैया ये कोरोना इस साल ऐसी रहेगा क्या, क्या पूरा साल हमारा ऐसे ही कटेगा जैसे कि लास्ट ईयर कटा था। जिस तरह के आंकड़े WHO से आ रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस आ रही हैं, मतलब मैं बताता हूँ कुछ राज्यों में तो ऐसी कंडीशन है कि शहर में दो शमशान घाट जहाँ पर कि डेथ डेड बॉडीज़ को वो किया जाता है, ठीक है जी हाँ, तो उनको उनके लिए जगह नहीं है। वैक्सीन्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वैक्सीन नहीं दे रही है और हम क्या करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है कि राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीन 110% बन रही है, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा बन रही है, इसलिए हम फॉरन में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वैक्सीन मुझे लगता है फॉरन में एक्सपोर्ट ना करके अगर 45 इससे कम वालों को भी लगाई जाती तो उसका इफेक्ट मिलेगा। वैक्सीन का इफेक्ट भी 45 दिन के बाद मिलता है, इसलिए इसको भी हम एकदम से नहीं कह सकते। जहाँ तक बात आती है कि ये साल शायद और शायद हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा जैसे कि हमने लास्ट ईयर में जिया था। यू गाइज हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस ईयर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और ये जो सारे एनालिसिस मैंने आप सबके लिए निकाली है ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, आई लव यू ऑल, सभी को। सभी बच्चे सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।